हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का 31 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड का 31 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे पुराना उपग्रह जो है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना उपग्रह है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ 5वीं शताब्दी ईस्वी के नाम पर रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को रोमियो ने कपुस्टिन यान से लॉन्च किया था। 96.3 मिनट की कक्षा में 619 किलोमीटर का एक अपोजिट और 50.7 डिग्री के झुकाव पर 563 किलोमीटर की परिधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध मेन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेयरी उत्पादों में बसा घुलनशील विटामिन की सामग्री स्तर उत्पाद की बसा सामग्री पर निर्भर करता है। कम बसा 2% बसा, लोपाट 1% बसा और स्किम दूध पौष्टिक रूप से पूरे दूध के बराबर होने के लिए विटामिन ए के साथ दृढ़ होना चाहिए। विटामिन डी के साथ सभी दूध का कर्तव्य स्वैच्छिक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका हीलियम गैस से पूछा गया था, तो हीलियम गैस पर जान लीजिए। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोवेल गैस है तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन, नॉन टॉक्सिक भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम है। द्रव हीलियम का प्रयोग पदार्थों का अत्यंत कम ताप तक ठंडा रखने के लिए किया जाता है, जैसे अतिचालक तारों को 1.9 डिग्री केल्विन तक ठंडा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को हीलियम गैस के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, ये आपको ध्यान रखना है। वाट का नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। तो वाट का नाम जो है ये जेम्स वाट के नाम पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विभव में आवेश का अनुपात कितना होता है। देख लेते हैं इसके बारे में। 1 फैराड बराबर 1 कूलम। वोल्ट धारिता का EMU में मात्रक स्टेट फैराड होता है। यदि V बराबर 1 वोल्ट और C बराबर Q तो किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। वैद्युत धारिता का धारिता एक अदिश राशि है, यह आपको ध्यान रखना कि वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये बंगाल गोरुमारा जातीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल प्रांत के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इस क्वेश्चन से के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मूल रूप से संख्या में 10 मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11 तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शांति पुरुष किसे कहते हैं। तो शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शांति पुरुष उपनाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। उन्हें शांति पुरुष मैन ऑफ पीस की उपाधि उनके द्वारा किए गए शांति प्रयासों के चलते दी गई। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य ग्रहण प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिसमें धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर का मात्रक क्या। तो मार का मात्रक है वोल्ट एम्पियर। एल आर का मात्रक सेकेंड और विमा है। एल अपॉन आर एक समय स्थिर जहां एल अधिष्ठापन और आर बराबर प्रतिरोध, इसलिए इसकी ऊंचाई इकाई जो है वो सेकेंड है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था रिकॉल का सिनोनियम्स क्या है, तो रिकॉल का सिनोनियम्स होता है रिकलेक्ट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, यहाँ 84 है, तो यहाँ पर जो संख्या कौन सी आएगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये संख्या नहीं होगी, इसको काट देते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, 14, 14 दूने 28, ठीक है, 28 या 84, 84 चक्कू क्या हो जाएगा, 252, समझ गए आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किन राशियों के इकाई सेम है, तो कार्य ऊर्जा की इकाई जो है वो सेम, कार्य ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तब कार्य संपादित होता है तथा पिंड लगाए गए बल की दिशा में कुछ दूरी तक विस्थापित होती है। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।